संडे ब्रो, क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ। अमूल माचो बैंक के नाचो, हम जा रहे हैं सिरोही से 80 किलोमीटर दूर। क्या क्या तेरे लिए दिल कुड़ियों का बॉन्स कर दिया, ये हाथ से खाता था दिल ने खाना, चॉप स्टिक से और स्टिक से अलग अलग चश्मा लिया, क्या होता तो बॉन्स स्टिक से मारे मुझे सपना दिया। This is your David Solanki and welcome back to my YouTube channel. करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो भाई साहब, अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी कार ट्रिप पे और आज का दिन है हमारा 19वां 30 डेज वर्कआउट चैलेंज का। आज हमारा 19वां दिन, सुबह वर्कआउट नहीं हुआ है क्योंकि रात को नवरात्रि से हम आए थे, रात को लगभग 2:30-3 बज चुके थे तो हम नहीं आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम कौन कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी डीजल भरवाने के बाद आगे चलकर बताता हूँ। वीडियो के साथ जुड़े संडे ब्रो। तो गाइस, फाइनली हमारी सवारी निकल चुकी है और आगे आप जो बाइक देख रहे हैं, राइडर है, उसको भी हमको साथ में लेना है, लेकिन वो क्या है अभी मना कर रहा है। तो जैसे तैसे करके उसको मनाना है, वो जा रहा है हमारे पास के गांव में। तो ये देखो कालंद्री है, यहाँ से 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर तक इसको फॉलो करेंगे। उसको पता नहीं है कि हम पीछे हैं और जैसे तैसे करके उसको भी साथ में ले लेंगे। और अभी हमारे साथ में है, क्या बोलते हैं भाई तेरा नाम क्या है, एक्स म्यूजिक संदीप, ये शूट कर, और नारायण। नारायण भाई, क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ। अमूल माचो बहन के नाचो। तो गाइस, हम जा रहे हैं सिरोही से 80 किलोमीटर दूर, हम मेरी और गौरव की कुल देवी हिम्मत माता मंदिर, और वहां पे जा रहे हैं हम दर्शन, क्योंकि मैं हर बार नवरात्रि में जाता ही हूँ और आज है नवरात्रि का लास्ट दिन, तो आज हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने और एक छोटा मोटा रोड ट्रिप भी हो जाएगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं 5 लोग टोटल। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर राहुल ने बाइक रोक दी थी फ्यूल फिलअप करवाने के लिए और भाई आ चुका है। भाई कार में सही बताऊं ना, ब्लॉग बनाने का मेरे को इतना ज्यादा मन है, इतना ज्यादा मन है, पर क्या करूं, ड्राइव भी मुझे करना और गाने आप देख ही सकते हो। तो गाइज, अभी हमको सिर्फ 15 किलोमीटर ही आगे पहुंचना है और यहाँ पे बहुत ही फेमस वड़ा पाव है, सुनने में आया है ऐसा। तो राहुल भाई को वड़ा पाव खाने के लिए भेज दिया है, अगर अच्छे होंगे तो हम भी ट्राई करेंगे। और संदीप, और संदीप को ना एक्चुअली वॉमिट हो गई थी, तो ये लोग कहीं गए आसपास में नींबू वगैरह लेने, और ये देखो ये आ गए, इसको भेजा था नींबू लेने और पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं। सो फाइनली गाइज, हम पहुंच गए हैं शिवंकरी माता मंदिर भिनमाल, और अभी हमको ऊपर जाना है। भैया ऊपर दिखाना, वहां पे आप देख सकते हो वो है मंदिर। तो चलिए गाइज, ये है मेन गेट जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती रहती है, और यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम ड्राइव करने वाला हूँ, तो देखते हैं कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वैसे यहाँ पर ढलान थोड़ी सी ना ऊंच नीच वाली है, मतलब कि थोड़ी सी ऐसी ऊपर है, पर ठीक है, जैसा भी होगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली गाइज, पहुंच चुके हैं मंदिर, और यहाँ पर देखो बहुत ही बड़ा त्रिशूल लगा हुआ है, ये देखो कितना बड़ा त्रिशूल है, और ये रहा मंदिर, यहाँ से जाने का रास्ता। चलिए भाई, अच्छे से हो गए दर्शन, और अभी कुछ टाइम बस यहीं खड़े रहेंगे, और ये रहा राहुल,
और ये रहा अपना पूरा ग्रुप। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा क्या फोटोग्राफी सेशन चल रहा है इन लोगों का। तो यहाँ पे देखो नारायण के फोटो खींचे जा रहे हैं, संदीप के खिंचवा लिए, गौरव खींच रहा है, ये राहुल। और अभी आगे का क्या प्लान है उसका मेरे को भी आइडिया नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो चलिए चलिए भाई फटाफट से फोटोग्राफी खत्म कर दीजिए भाई, पोर्ट्रेट में फोटो खींचे जा रहे हैं भाई के। आए आए स्माइल देख लो एक बार। ओ भाई क्या गर्म हुई है गाड़ी, क्या हिट मार रही है खतरनाक। और भाई बाहर जाके आए ना तब पता चल रहा है कि गर्मी आखिर है कितनी, बहुत भयंकर गर्मी है। ये तो ठीक हुआ गन्ने का जूस पी लिया, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और एसी चालू कर देते हैं सबसे पहले। चलो भाई तो फाइनली निकल चुके हैं हम लोग, और ये वाली चढ़ाई ना भाई बहुत शानदार थी ये वाली। बस अब धीरे 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 करके, अब आगे कहाँ जाना है उसका कुछ आइडिया नहीं है। अभी यहाँ से नीचे उतरेंगे फिर कुछ सोचेंगे हमें जैसा, वैसे तो हमें सुंदर माता भी जाना है लेकिन लेट काफी हो गया, इसलिए नीचे जाके अब देखेंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। सो गाइस भिनमाल से मैं अभी जस्ट आया हूँ, मतलब घर जाके पानी पी के और सिर्फ डायरेक्ट मैं ग्राउंड ही आया हूँ, कपड़े भी अभी तक चेंज नहीं किए। और भाई आज 150-160 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद मैं अभी इस वक्त शाम के बज रहे 6 और आ चुका हूँ ग्राउंड में। अभी पहला राउंड वॉक कर रहा हूँ, अभी एक और राउंड वॉक करूंगा, फिर आज शुरू करते हैं 30 डेज वर्कआउट चैलेंज का। आज कौन सा दिन है, 19वां दिन 30 डेज वर्कआउट चैलेंज का शुरू कर रहे हैं आज हम 19वां दिन। तो ब्लॉग में जुड़े रहिए और सीरीज में जुड़े रहिए एंड तक। सो गाइस अभी रनिंग शुरू करते हैं। चेहरे पे खुशी देख रहे हो भाई, ये कह सकते हो कि नामुमकिन को मुमकिन करने वाली चीज़ें हो गई है आज। सही बताओ तो ग्राउंड आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कल भी और आज भी, क्योंकि आजकल रूटीन आपको पता ही है नवरात्रि के कारण कैसा बिगड़ा है। लेकिन कल तो मैं सुबह 3 बजे आया था, सुबह 9-10 बजे के आसपास पिनमल भी चला गया था और 160 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद पैवलियन आ गया हूँ भाई। और अभी सोना नहीं है, अभी 2:30 बजे तक वापस नवरात्रि, तो पहले एक्सरसाइज करते हैं फिर वही रूटीन रहेगा। चलिए भाई आज लेट तो हो गया लेकिन अभी काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज की एक्सरसाइज और आज की रनिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैंने 15-20 मिनट का यहाँ पर रेस्ट लिया और अभी जा रहा हूँ घर की तरफ।